हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ 3 HP के कंप्रेसर की टेस्टिंग करने जा रहा हूँ। ये देख सकते हैं आपका 3 HP का हमने कंप्रेसर तैयार कर दिया है। LG का कंप्रेसर है, ये देखिए LG का यह कंप्रेसर है और LG का ही टैंक है। मैं आपको इसको मॉडल नहीं बता सकता क्योंकि मॉडल मेरे पास चिट टूट चुकी है, पर मैं कंप्रेसर में देखता हूँ, कंप्रेसर में कहीं लिखा है तो बता देता हूँ। हाँ, 2006 का मॉडल है, आप देख सकते हैं 2006 का मॉडल है और इसके अब टेस्टिंग करने जा रहा हूँ और बकायदा एम्पेयर वगैरह चेक करूँगा। हवा में देख लीजिए, अभी ज़ीरो है, ये देख लीजिए। और ये वॉल बंद कर देते हैं, बकायदा एम्पेयर वगैरह से टेस्ट करेंगे और इसकी वीडियो आपको मैं शेयर करता हूँ। तो सर, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। जुड़े रहिएगा वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने परचेस करना है, कहाँ से परचेस करना है, ये देखिए हमारा एड्रेस है, ये दुकान है हमारी, आप आके परचेस कर सकते हैं। आप ऑनलाइन करना चाहें ऑनलाइन कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करती है, स्टार्ट कर दिया हमने कंप्रेसर, देखिए कितना स्मूथ चल रहा है। फिल्टर लगा रखा तो कुछ प्रॉपरली है, LG की ही मोटर है और LG का ही कंप्रेसर है। स्टार्टिंग लोड कितना है, 1.9 एम्पीयर स्टार्टिंग लोड है। अभी स्टार्टर नहीं लगाया है, टेस्टिंग कर रहे हैं। टेस्टिंग जब कंप्लीट हो जाएगी, स्टार्टर लग जाएगा सब कुछ, स्टार्टर लगने के बाद आपको एक वीडियो छोटी सी बना के और दिखाऊंगा। अभी ये स्मॉल वीडियो है, अभी इसका जाल लगेगा, जेन्युइन जाल इसका जो है वही है, प्रॉपर जाल वगैरह लग के फिट होगा। खाली इसमें चेंज हुआ, ये ऑटो कट चेंज हुआ है क्योंकि ऑटो कट वो टूट गया था कंपनी का जो इसका था। ये देखिए हवा कितनी हो गई है, इसको पॉन्ड नहीं है, पीजी डायरेक्ट आएगा तभी पता चलेगा मुझे भी LG की गाड़ी और कितने एम्पीयर लोड हो चुका है, चेक करते हैं। अबे ये तो माइनस पे चला गया, सॉरी गाइस, एम्पीयर अब चेक नहीं करा पाऊंगा क्योंकि इसके एम्पीयर मीटर ख़राब हो चुका है। इसकी आई थिंक बैटरी ख़त्म हो चुकी है, बैटरी नहीं डालनी पड़ेगी, उसके बाद ये चलेगा। तो आजकल ही बिना एम्पीयर मीटर चेक कराता हूँ आपको हवा बनते हुए। देखिए कितना स्मूथ है, कोई आवाज़ नहीं है क्रैंक में वगैरह, कुछ भी नहीं है। देखिए इसकी हवा दिखाऊं तो आपको हवा भी दिखा दो, रुकिए होल्ड कीजिए। ये देखिए, देखिए फैन की हवा कितनी अच्छी इस पर आ रही है, ये देखिए फैन की हवा भी इस पर अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी तरीके से हवा आ रही है, बहुत अच्छी प्रॉपरली काम कर रहा है। 10 kg होने वाली है, ये देखिए,
आपको बंद करके बताता हूँ। देखिए ये बंद नहीं होगा क्योंकि इसका कनेक्शन वायरिंग कनेक्शन नहीं है, अभी डायरेक्ट ये मोटर से लगा हुआ है। ये देखिए ये डायरेक्ट मोटर से चल रहा था इसलिए बंद नहीं होना था। अब इसे प्रॉपरली काम कर रहा है, इसका मतलब 10 kg प्रेशर दी कि पूरा 10 kg खड़ा हो गया। इसका मतलब पूरा प्रॉपरली टेस्ट हो गया है। एम्पेयर चेक नहीं करा पाया उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरा एम्पेयर मीटर ख़राब होगा, उसके सेल चेंज होंगे, उसके बाद ही प्रॉपरली वर्क करेगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ऑब्वियसली वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और नॉलेजेबल वीडियोस भी लाऊंगा जिसपे आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम जो कंप्रेसर की उससे आपको वो मिल सके, हल मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।